तो माँ जब होती है तो शायद हमें उसके होने का एहसास नहीं होता, लेकिन माँ अगर नहीं होती तो क्या होता कि कल सुबह जब काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा, दो घड़ी सांस की ले ले, अरे इतनी ठंड कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा माँ रसोई से बोली होगी, जिसके हाथों में सना आटा होगा, पलट कर देखा तो क्या मालूम था कि माँ सिर्फ सन्नाटा होगा। मैं मानता हूँ कि दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी माँ के बराबर और कोई खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है। रात को करीबन 2:30 बजे घर लौटता, सुबह 4 बजे हम शूटिंग पे निकलते हैं और रात को 12:30 ऐसे बज जाते हैं। तो मैं रात को करीबन 2:30 बजे घर लौटता और जैसे ही घर पहुंचता तो मुझे लगता सब सो गए हैं, तो मैं अपने जूते हाथ में लेके कमरे तक जाता और अचानक पीछे से माँ की आवाज आती कि बेटा कुछ खाकर आए हो या खाना बना दूं। तो मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है और मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है। माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का जादू उसे ही आता है। आप कहीं किसी खास काम से जा रहे हो, किसी शुभ काम से जा रहे हो, तो कोशिश ये करना अगर आपके घर में माँ रहती है तो उसके पास जाना, उसके पाँव छूना और कहना माँ एक बार माथा चूम दो। अगर उसने माथा चूम के आपको घर से विदा कर दिया तो दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपके कार्य में विघ्न डाले। तो माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का जादू उसे ही आता है और उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से भी करेक्ट टेम्परेचर बताता है। मैंने रिश्तों की तमाम किताबें पढ़ के देखा, पहले पन्ने में माँ का भी नाम लिखा था। वो मुझमें तब से जान देती है जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर एक लकीर बन के दिखा था। हिसाब लगा के देखो, लगा लो हिसाब, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा या आधा निकलेगा, बस एक माँ का ही प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। फिर माँ के लिए समय निकालना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्यों त्योहार माँ के बिना ही बीत जाते? इस बार घर नहीं जा पाया, अगली बार चला जाऊंगा या फिर अगली बार माँ को ही शहर ले आऊंगा। There is always a next time, फिर कभी सही। कुछ गलत नहीं सोचते हो तुम, ये करियर बनाने की घड़ी है पर दिए जलाने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। लेकिन ये जो शब्द ऐसे ही बोल जाते हो ना, अगले साल, अगली बार, नेक्स्ट टाइम, फिर कभी, जरा ठहर के शब्दों के खोखलेपन को सोचना। सोचना कि जिसने तुम्हें जरूरत से ज्यादा दिया तुम उसे हक से भी आधे दे रहे हो, जिसकी जिंदगी का सूरज एक दिन पश्चिम की ओर खिसकता जा रहा है तुम उसे अगले साल का वादा दे रहे हो। तो थैंक यू सभी, आप सभी को, आपने मुझे इतने धैर्य से सुना, आप सभी का आभार।